हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम कक्षा दस के त्रिकोमिति का पार्ट थ्री देखेंगे फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट वन पार्ट टू अपलोड कर दिया गया है उसको जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको मैथ के उन प्रश्नों को हल करा रहे हैं जो आपके 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम में हंड्रेड परसेंटेज आने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए वायरल प्रश्न है फ्रेंड्स तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में सौ नंबर में से आप पंचानवे नंबर आसानी से प्राप्त कर सकें चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए इस सवाल को लगाने से पहले इसका बेसिक फार्मूला बता देते हैं देखिए फ्रेंड्स ये आपके सामने फार्मूला है आपको ये फार्मूला पढ़ा चुके हैं ये आपको रिविज़न करा रहे हैं ठीक है देखिए फ्रेंड्स क्या है कि साइन नब्बे माइनस ठीठा होता है तो इसे क्या लिख सकते हैं आप फार्मूला पता क्या लिख सकते है इसे? थीटा, काश हैं इसे कास ठीठा ठीक है यदि कास नब्बे माइनस ठीठा लिखा रहेगा तो उसे आप लिख सकते हैं साइन ठीठा ठीक है टेन नब्बे माइनस ठीठा रहता है तो उसे लिखते हैं काठ ठीठा और काठ नब्बे माइनस ठीठा है इसे आप लिख सकते हैं टैन ठीठा ठीक है और देखिए फ्रेंड्स से नब्बे माइनस ठीठा है तो इसे क्या आप लिख सकते हैं कोशेक कोशेक ठीठा और कोशेक नब्बे माइनस ठीठा रहेगा तो इसे आप शेख ठीठा लिख सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड जो ये फार्मूला है इन्हीं फार्मूला पे आपको आज सवाल लगवाने वाले हैं चलिए फ्रेंड्स सवाल को देखते हैं तो फ्रेंड देखिए आपके सामने पहला नंबर का सवाल है कि साइन अट्ठारह अंश अपान काश बहत्तर अंश इस सवाल को आपको लगाना है फ्रेंड्स देखिए आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए अट्ठारह अंश और नीचे हर में क्या है बहत्तर अंश इसको यदि जोड़ेंगे आपका तो कितना होगा फ्रेंड्स नब्बे अंश होता है ठीक है जोड़ के एक बार देख लीजिएगा और फ्रेंड्स देखिए इसको हल करते समय अब आप अंश में या हर में दोनों में से किसी एक को ही आपको चेंज करना रहता है देखिए चेंज कैसे करेंगे यहाँ पर लिखा है साइन अट्ठारह तो इसको आप लिख सकते हैं साइन नब्बे में से फ्रेंड्स कितना घटाएंगे तो अट्ठारह होगा तो फ्रेंड्स जो हर में रहता है ना उसी को घटाते हैं तो ऊपर वाला मिलता है तो यहाँ से कितना घटाएंगे नीचे बहत्तर लिखा है तो बहत्तर अंश घटा लीजिए यानी नब्बे में से बहत्तर घटाएंगे तो कितना होगा अट्ठारह अपार यहाँ क्या लिखा है काश बहत्तर अंश तो यहाँ पे लिखिए आप काश ठीक है काश बहत्तर अंश है तो काश बहत्तर अंश लिख लीजिए ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे अब यहाँ फार्मूला देखिए साइन नब्बे माइनस ठीठा यदि आपको साइन नब्बे माइनस ठीठा तो इस क्या लिख सकते हैं काश थीटा और थीटा की जगह बहत्तर यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन और थीटा की जगह बहत्तर तो यहाँ पर बहत्तर लिख लीजिए ठीक है फ्रेंड्स देखिए साइन नब्बे मानस टीटा क्या लिख सकते थीटा तो थी, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका काश होगा क्या होगा काश बहत्तर अंश होगा अपान ये नीचे काश बहत्तर हर में तो इसे लिखिए काश बहत्तर ठीक है देखिए अंश और हर में ये मान बराबर हो गए तो ये इससे पूरा मान कटेगा और कितना होगा ये एक हो जाएगा और फ्रेंड्स यही जो एक आ रहा है आपका आंसर हो जाएगा देखिए कितना सिंपल है फ्रेंड्स बस ये फार्मूला जो फ्रेंड्स है ये याद होना चाहिए आपको जैसे नब्बे माइनस ठीठा रहेगा तो उसे डायरेक्ट आप काश ठीटा लिख सकते हैं काश नब्बे मायनेस ठीठा है तो उसे साइन ठीठा इसी प्रकार से जो फार्मूला है ये याद रहेगा तो ये बहुत सिंपल सवाल होता है फ्रेंड्स चलिए ठीक है ये आपका पहला नंबर का सवाल हो गया अब दूसरे नंबर के सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स सवाल लगाने से पहले आपको बता दें कि आज आपको टोटल सात प्रश्न करवाने वाले हैं इन ही में से आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल आएगा ठीक है देखिए फ्रेंड्स इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे ठीक है शेख सैतीस अंश अपन को शेख तिरपन अंश इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना होगा नब्बे अंश होता है ठीक है आप ऐसा कि दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है तो आप अंश वाले को चेंज कर लीजिए देखिए यहां पर लिखिएगा शेख नब्बे माइनस नब्बे में से कितना घटाएंगे तो सैंतीस होगा फ्रेंड्स तो आपको बताएं कि हर वाला जो रहेगा उसे घटा लीजिएगा तो यहाँ पे तिरपन को घटाएंगे फ्रेंड्स तो कितना होगा आपका सैंतीस अंश हो जाएगा अब पान लिखिए देखिए कितना है कोशेक तिरपन अंश कितना है तिरपन अंश अब फार्मूला देखिए फ्रेंड्स सेक नब्बे माइनस ठीठा यहाँ पर देखिए कहाँ पर लिखा है सेक यहाँ पे देखिए शेख नब्बे माइनस ठीठा क्या लिख सकते हैं कोशेक ठीठा तो यहाँ पे देखिए शेख नब्बे माइनस ठीठा ठीठा के जब आप तिरपन है इसे क्या लिखेंगे कोशेक तिरपन अंश अपान हर में क्या है आपका कोशेक तिरपन है यहाँ पे लिखिए कोशेक तिरपन अंश देखिए अंश और हर में देखेंगे तो दोनों मान बराबर हो गए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे और यह जब कटता है तो फ्रेंस कितना होगा एक होगा और इसका आंसर कितना आया फ्रेंड्स आपका एक आया ठीक है तो इस प्रकार से आपको सिंपल तरीक़ा से सवालों को आपको समझाने वाले हैं फ्रेंड्स आप वीडियो में बस लास्ट तक बना बने रहिए ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देखिए क्या है आपका सवाल कि साइन अड़तालीस अं अड़तालीस अंश बटा के काश बयालीस अंश प्लस काश अड़तालीस अंश बटा के साइन बयालीस अंश बराबर दो सिद्ध करना है आपको ठीक है फ्रेंड्स देखिए इस सवाल को आप हल कैसे करेंगे तो पहले यहाँ पे लिखिएगा हल ठीक है जैसे बता रहे हैं फ्रेंड्स इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में आप लिखिएगा लिखने के बाद जो सवाल रहेगा उसको पहले आप क्या कीजिएगा यहाँ पे उतार लीजिएगा ठीक है देखिए कैसे करना है यहाँ पर लिखिएगा आप हल लिख लिए अब सवाल क्या है साइन अड़तालीस अंश अपान काश बयालीस अंश ठीक है प्लस काश अड़तालीस अंश बटा के साइन बयालीस अंश बराबर कितना सिद्ध करना है दो ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स इसमें भी क्या करना है देखिए आपको अंश और हर में से दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है चलिए अब हल कर लेते हैं अंश को चेंज कर लीजिए देखिए साइन नब्बे माइनस कितना घटाएंगे बयालीस देखिए नब्बे में से यदि बयालीस घटाएंगे तो अड़तालीस हो जाएगा हर में कितना है आपका काश बयालीस है तो काश बयालीस अंश लिख लीजिए प्लस इसी तरह अंश में जो है कास नब्बे माइनस अब हर में देखिए बयालीस से कितना घटाएंगे बयालीस घटा लीजिए जिसे नब्बे में से बयालीस घटाएंगे तो कितना होगा अड़तालीस होगा ना घटा के एक बार देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर क्या है आपका साइन बयालीस अंश बराबर कितना है दो है ना यहाँ पे आप दो लिख लीजिएगा ठीक है लिख लीजिए और फ्रेंड देखिए क्या करना है अभी आपको बताएँगे साइन नब्बे माइनस थीटा ठीठा की जगह बयालीस थे बयालीस ना तो साइन नब्बे माइनस ठीठा क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए साइन नब्बे माइनस ठीठा को कासठ थीटा थी इसके जगह क्या लिखेंगे आप साइन नब्बे यहाँ पर लिखिए कासठ थीटा की जगह बयालीस है बयालीस कर लीजिए अपान यहाँ पर कितना लिखेंगे कास बयालीस अंश प्लस इसी तरह यहाँ पर लिखिए कास नब्बे माइनस ठीठा क्या लिखेंगे देखिए कास नब्बे माइनस ठीठा को साइन थीटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन और की जगह बयालीस है तो बयालीस लिख लीजिए अपान साइन कितना है आपका बयालीस सन्स बराबर कितना लाना है आपको दो लाना है ठीक है देखिए फ्रेंड्स ये काश बयालीस और काश बयालीस कटेगा और कटेगा तो कितना यहाँ पे बचेगा आपका एक बचेगा यहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह बनाइए साइन बयालीस सन साइन बयालीस ये दोनों आपस में बराबर कट जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका एक बचेगा और बराबर कितना लाना है आपको दो ठीक है और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक एक को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा दो और दो बराबर कितना है आपका दो देखिए दोनों पक्ष आपस में क्या हो गया फ्रेंड्स बराबर हुए कि नहीं हुए जब दोनों पक्ष बराबर होंगे तो इस तरह घेर लीजिएगा ब्लैक पेन से और लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ठीक है देखिए हो गया आपका सवाल इसी प्रकार से सभी सवालों का आपको हल करना है फ्रेंड चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए आपका अगला नंबर का सवाल है चौथा नंबर का देखिए क्या चौथा नंबर का सवाल है फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि इसको हल करके आपको एक लाना है ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा आपको आप अंश और हर दोनों में से किसी एक को ही चेंज कीजिए बार बार यही चीज बता रहे हैं कि अंश और हर में से किसी एक को ही आपको चेंज करना है ठीक है तो चलिए आप क्या करते हैं अंश वाले को चेंज कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन नब्बे माइनस अब बताइए नब्बे में से कितना घटाएंगे तो छत्तीस होगा फ्रेंड्स यहाँ पे आप घटाएंगे कितना चौवन अंश यहाँ माइनस कितना करेंगे लिखेंगे चौवन अंश प्लस इसे तो काश छत्तीस है तो इसे क्या लिख सकते हैं काश नब्बे माइनस चौवन अंश ठीक है घटा के एक बार देख सकते हैं अपान सिर्फ अंश में ही फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा इसको चेंज कीजिएगा ध्यान दीजिए कि सिर्फ अंश में ही चेंज कीजिएगा कि दोनों हर और अंश दोनों को साथ में नहीं चेंज करना है यहाँ पे ठीक है और हर में जो चीज़ लिखा है उसको लिख लीजिए कितना लिखा है काश चौवन अंश प्लस साइन चौवन अंश और बराबर कितना लाना है आपको एक लाना है ठीक है और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए साइन नब्बे माइनस ठीटा तो फ्रेंड्स अभी आपको बताएँगे साइन नब्बे माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप हैं साइन नब्बे माइनस टीटा को काश थीटा इसके जगह क्या लिखेंगे आप काश थीटा थीटा का जवाब कितना है चौवन आंसर तो चौवन आंसर कर लीजिए प्लस इसी तरह काश नब्बे माइनस ठीठा है देखिए काश नब्बे माइनस ठीठा क्या लिख सकते हैं साइन ठीठा यहाँ आप लिखिए साइन और ठीठा के जब चौवन है तो चौवन कर लीजिए अपान ठीक है ये हर में क्या है आपका कास चौवन अंश प्लस साइन चौवन अंश ठीक है बराबर कितना है आपका एक और फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे अंश में देखिए काश चौवन अंश प्लस साइन चौवन काश चौवन अंश प्लस साइन चौवन तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जब भी सवाल आता है तो ये पूरा आपस में कट जाएगा कट जाएगा देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे आपको सौ में सौ का भाग देना है तो क्या करते हैं सौ से सौ कट जाएगा तो एक आएगा तो जब अंश और हर में दोनों मान आपके बराबर होते हैं तो पूरा मान इससे कट जाएगा ये पूरा मान क्या होगा कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या आपका एक बचेगा और बराबर लाना कितना था आपको एक लाना था देखिए आपका दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया ना एक बराबर एक यहाँ आप क्या लिखेंगे फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ठीक है देखिए कितना सिंपल तरीक़ा सा फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं ठीक है आप सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए जिससे आपको मैथ में फ्रेंड्स गारंटी देते हैं कि सत्तर नंबर का पेपर होगा तो आपको सत्तर में सत्तर आसानी से मिल जाएगा और तीस नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो आपको स्कूल के तरफ से तीस में तीस मिल जाएगा तो इस प्रकार से यदि सत्तर पर जाएगा तो आपको हंड्रेड में हंड्रेड नंबर आपको आसानी से ला सकते हैं ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए आपका पाँचवा नंबर का सवाल क्या है कि साइन तीन ए बराबर काश ए माइनस छब्बीस अंश हो जहाँ तीन ए एक न्यून कोण है तो का मान ज्ञात कीजिए देखिए फ्रेंड्स तीन ए न्यून कोण न्यून कोण का मतलब होता है कि नब्बे अंश से कम दिया है यहाँ पे इस सवाल को हल करते समय आपको इस पॉइंट का कोई ज़रूरत नहीं है देखिए आप सवाल को कैसे हल करेंगे और हल करके का मान कैसे आप आसानी पूर्वक से ला सकते हैं यहाँ पर पहले आप लिखिएगा हल ठीक है हल लिखने के बाद देखिए आपको सवाल दिया क्या है कि साइन तीन ए बराबर कास ए माइनस छब्बीस ठीक है जब फ्रेंड्स इस प्रकार के सवाल आपको जब भी मिले हैं सवाल हल करने के लिए तो आप क्या करेंगे कि आप इसको चेंज किया कीजिए देखिए फ्रेंड्स इसको चेंज करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा देखिए फ्रेंड्स यदि आपको क्या है कि साइन के रूप में दिया है तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर क्या है आपका कि साइन के रूप में दिया है यदि आपको डायरेक्ट काश के रूप में लिखना रहेगा तो कैसे लिख सकते हैं काश नब्बे माइनस ठीठा लिख सकते हैं देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे आपको लिखना रहेगा तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे काश नब्बे माइनस और थीटा के जब कितना लेंगे तीन ए लीजिएगा तीन ए ठीक है और बराबर क्या हो जाएगा कास ए माइनस छब्बीस अंश ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स इसको हल करेंगे ना तो देखिए काश नब्बे माइनस ठीठा इसको डायरेक्ट हल करेंगे तो कास नब्बे माइनस ठीठा को साइन थीटा है थीटा की जगह अब तीन है तो साइन थीटा ये मान उतना ही प्राप्त हो जा रहा है तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स कि आप इस तरह छोटा सा कोष्टक बना के इस तरह चूँकि लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं आप कितना कास नब्बे माइनस थीटा लिख सकते हैं ठीक है इस तरह छोटा कोष्टक आप बना के लिख लीजिएगा ठीक है बगल में इस तरह लिख दिया जाता है कोष्टक बना के कि इसी फार्मूला के यहाँ पे प्रयोग किया गया है अब देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है सवाल में कि आप देखेंगे दोनों पक्ष में यहाँ पे ध्यान दीजिए इस पॉइंट को जब दोनों पक्षों में आपका कास दिया हो कास या दोनों पक्षों में साइन साइन हो या दोनों पक्षों में टेन टेन हो जब दोनों पक्षों में ये होता है तो ये इससे कट जाता है तो आपको काटना नहीं रहता है बस इस कास को कास को यहाँ से हटा दीजिए तो आपको होगा नब्बे माइनस तीन ए बराबर ए माइनस छब्बीस अंश ठीक है यहाँ पे छब्बीस अंश ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए आपको क्या करना है कि अक्षर वाला जो पद होता है एक साइड ला लीजिए देखिए यहाँ पर माइनस तीन है तो माइनस तीन ए रहने दीजिए इस ए को इधर लाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा ये माइनस छब्बीस है तो माइनस छब्बीस रहने दीजिए नब्बे को पच्छांतर करेंगे तो ये प्लस नब्बे तो इधर आके माइनस नब्बे हो जाएगा ठीक है पच्छांतर करते समय फ्रेंड्स हमेशा आपका चिन्ह बदल जाता है प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है ठीक है अब फ्रेंड देखिए अगला स्टेप में क्या करना है कि जब माइनस माइनस रहता है तो इसको जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस का रखते हैं माइनस देखिए तीन ए में ए को ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चार ए होगा बराबर माइनस छब्बीस माइनस छब्बीस जुड़ेगा तो छः और नौ दो ग्यारह देखिए ये छः हो जाएगा और नौ दो ग्यारह माइनस माइनस जब जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस का देखिए फ्रेंड जब दोनों पक्षों में माइनस आता है तो माइनस से माइनस इसको काट दिया जाता है यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ठीक है यहाँ पर आप ए बराबर देखिए क्या है पाचान तक कीजिए चार को तो एक सौ सो सोलह बटा के चार कहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे आएगा अब चार के से इसको कटा लीजिए देखिए चार के एम चार देखिए ये कितने बार में चार दुना के आठ होगा ठीक है और बचेगा आपका तीन तो छत्तीस होगा चार नवा छत्तीस यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स उनतीस अंश होगा और यही फ्रेंड्स आपसे पूछा है कि का मान कितना होगा का मान कितना है आपका फ्रेंड्स उनतीस अंश और यही आपका आंसर हो गया देखिए कितने सिंपल तरीका से आपको लगा है यहाँ पे देखें ना फ्रेंड्स यही बोर्ड के एग्जाम में सवाल दे देता है चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार के और एक दो सवाल आपको बता देते हैं आइए छठवा नंबर के सवाल को यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स देखिए आपका छठवा नंबर का सवाल क्या है इसको ध्यान से पढ़िए इससे फोर ए बराबर कोशेक ए माइनस बी सन्स जहां फोर ए एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए ठीक है अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे पहले तो यहाँ पर लिखिएगा आप हल हल लिखने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है पहले जो सवाल दिया उसको लिखिए देखिए सेक फोर ए बराबर कोशेख ए माइनस बी सन्स ठीक है अब इसको करने के बाद देखिए अगला स्टेप में क्या करना है आपको अभी जैसे सवाल बताऊं उसी तरह यहाँ पे लिखा है सेक फोर ए लिखा है ना फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेक वाला फार्मूला देखिए सेक नब्बे माइनस ठीटा को हम लिख सकते हैं कोशेक थीटा या डायरेक्ट यदि कोशेक थीटा लिखा है तो उसे हम कोशेक नब्बे माइनस ठीटा लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए सेक लिखा है फ्रेंड्स ना तो यहाँ पर हमको लिखना है कोशेक नब्बे माइनस फ्रेंड्स ये इसलिए किया जाता है कि इधर जो कोशेक लिखा हो और इधर कोशेक यानी दोनों पक्ष में ये मान बराबर हो जाए इसीलिए इसको चेंज किया जाता है तो देखिए इसको चेंज करेंगे सेक फोर ए क्यों? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कोशेक नब्बे माइनस ठीटा के कि जब कितना है फोर ए तो फोर ए लिखेंगे ठीक है और बराबर यहाँ क्या है आपका कोशेक ए माइनस बी ठीक है अब देख लीजिए सेक थीटा लिखा था, था तो उसे हम कितना लिखे हैं कोशेक नब्बे माइनस ठीठा तो इसको आप इस तरह कोष्टक में इस तरह लिख लीजिएगा इस तरह देखिए चूंकि का निशान दे के इस तरह लिख दीजिएगा कि सेफ यदि थीटा रहेगा तो आप उसे लिख सकते हैं कोशेक नब्बे माइनस ये नब्बे माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर ठीठ इसी फार्मूला का फ्रेंड्स यहाँ पे प्रयोग किया गया है ठीक है इस तरह आप जिस फार्मूला का प्रयोग कीजिएगा बगल में इस तरह कोष्टक बना के लिख लीजिएगा अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि कोशेक नब्बे माइनस अभी बताएं फ्रेंड्स जब जो दोनों पक्षों में आपका ये मान बराबर होता तो ये कोशेक से कोसेक हट जाएगा यहाँ पे आपका क्या बचेगा सिर्फ नब्बे माइनस फोर ए बचेगा और बराबर यहाँ से क्या बचेगा ए माइनस बी संस। अब फ्रेंड्स अगला स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको अक्षर वाले पद को एक साइड रखना रहता यहां 4A है तो यहाँ माइनस फोर ए है तो माइनस फोर ए ही लिखिए इधर से एक कर लीजिए तो पच्चात्तर माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे माइनस बीस है तो माइनस बीस कीजिए नब्बे को पच्चांतर कीजिए जब इसको पच्चातर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा तो ये नब्बे है तो इधर आके कितना हो जाएगा माइनस नब्बे हो जाएगा अब देखिए माइनस चार ए है फ्रेंड्स तो इसे क्या करेंगे आप इसको जोड़ लीजिए अभी बताएं ना कि माइनस माइनस को जोड़ा जाता है चिन्ह माइनस का रखते हैं तो माइनस चार ए में ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पाँच ए हो जाएगा और इधर देखिए माइनस बीस और माइनस नब्बे जोड़ दीजिए ये हो जाएगा एक सौ दस वो माइनस एक सौ दस जब दोनों पक्ष में इस तरह माइनस आ गया तो माइनस माइनस काट दीजिएगा आप यहाँ पर आप देखिए क्या होगा कि एक का मान ज्ञात करना तो ए बड़ा कितना हो जाएगा एक सौ दस पाँच को पक्षांतर करेंगे बटा में पाँच हो जाएगा ठीक है अब इसका पाँच से कटा देखें पाँच के हम पाँच पाँच दुना के दस पाँच दुना के दस यहाँ पर का मान कितना आया फ्रेंड्स फ्रेंस देखेंगे तो बाईस आंसर आ गया ठीक है एक मान कितना आ गया फ्रेंड्स देखिए आपका बाईस आंसर आया और यही फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा देखिए इसी प्रकार के बोर्ड के एग्ज़ाम में फ्रेंड्स सवाल पूछते हैं जो सवाल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो सवाल आने वाला है बस उन्हीं सवालों को हल करा रहे हैं फ्रेंड्स इसीलिए बार बार आप शेर कह रहे हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए स्किप मत किया कीजिए फ्रेंड्स ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए फ्रेंड्स आपका सातवां नंबर का सवाल है यदि ए कामा बी और सी एक त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा के दो बराबर काश ए बटा के दो होगा यानी सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटा के दो बराबर काश ए बटा के दो फ्रेंड्स देखिए आपको जब भी पेपर में दिखाइए दर्शाइए ठीक है या सिद्ध कीजिए इसका मतलब होता है कि दोनों पक्ष को आपको बराबर करना रहता है इस प्रकार के प्रश्न को देखिए फ्रेंड्स आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे हल करना है यहाँ पे लिखिएगा आप पहले हल फ्रेंड्स जब भी इस प्रकार के सवाल आपको मिले तो यहाँ पे देखा कीजिए कि दिया क्या है तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है त्रिभुज तो फ्रेंड्स देखिए यहीं से आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि त्रिभुज के तीन अंतों कोणों का योग कितना होता है एक अंश होता है कितना होता है एक अंश तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं जिससे आपको ये चीज़ याद रहे यहाँ पर कि त्रिभुज त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग १८० अंश होता है ठीक है ठीक है देखिए ए बी सी है ना ये त्रिभुज का कोड दिया यदि नहीं समझ में गया देखिए इस प्रकार से आप एक छोटा सा त्रिभुज बना लीजिएगा यहाँ पे नाम क्रम से दे दीजिए ए बी सी इस तरह देंगे देखिए यहाँ पे कोड बनेगा ये कोड बनेगा ये कोड बनेगा तो ये इसका अंतः कोड़ हुआ तो अभी लिखे हैं त्रिभुज के तीन अंतर कोणों का युग कितना होता है एक सौ अस्सी यहाँ पर लिखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर एक सौ अस्सी है ठीक है इतना लिखने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स इस सवाल को आपको हल कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ भी फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो देखिए ए क्या है आपको दूसरे पक्ष में है ना देखिए ए क्या है दूसरे पक्ष में तो पहले एक और इसको दूसरे पक्ष में पच्छान तक कर लीजिएगा इसलिए कि बी और सी क्या है साथ में है यहाँ पे कोण बी प्लस कोण सी को साथ में लीजिए ए को दूसरे साइड पच्चान तक कर लीजिए एक सौ अस्सी कोड ए को पच्छान कर इधर क्या होगा माइनस कोण ए हो जाएगा ठीक है अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बी प्लस सी बटा के दो है ए बटा के दो है जो कि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें दो का क्या करेंगे भाग देंगे जिससे इसके बटा में दो आ जाए यहाँ पे लिखिएगा कि दोनों पक्षों में देखिए जिस प्रकार से लिख रहे हैं फ्रेंड्स इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में आप लिखिएगा ठीक है दोनों पक्षों में दो से भाग ठीक है यहाँ पर भाग देने पर ठीक है जब भाग देने पर लिखेंगे फ्रेंड्स देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पे कोर्ड बी है और प्लस कोड सी है इसके में भाग देंगे तो दो यहाँ पे लिखिएगा इसी तरह एक सौ अस्सी माइनस कोड ए है इसके में क्या करेंगे दो कर लेंगे ठीक है ये देखिए कोड बी प्लस कोड सी बटा के दो ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स जैसे आप बचपन में पढ़ते होंगे कभी भी आपका ये सवाल इस प्रकार से रहता है एक बटा के दो प्लस तीन बटा के दो है यदि आपका हर बराबर आता है तो क्या करते हैं एक प्लस तीन बटा के दो कर लेते हैं या इसी को आपको आवश्यकता पड़ेगा तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं जैसे एक बटा के दो लिख सकते हैं प्लस तीन बटा के दो लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते है इसी प्रकार से यहां पर लिखना है देखिए आपको एक सौ अस्सी बटा के दू कीजिएगा और माइनस को बटा के दो कर लीजिएगा हो गया अलग अलग अब देखिए फ्रेंड्स अगला स्टेप में क्या करना है यहाँ पर लिखिएगा को बी प्लस को दो दो का भाग एक सौ अस्सी में देंगे तो नब्बे माइनस कितना हो जाएगा आपका कोण ए बटा के दो ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है यहाँ पे पहले सवाल देखिए सवाल को देखते रहिए फ्रेंड्स तभी ये सवाल आपको और अच्छे से समझ में आएगा देखिए फ्रेंड्स इधर क्या लिखा लिया गया है कि साइन लिया गया है और इधर क्या है कासना है? तो आप देखिए बी प्लस सी बटा के दो इसके साथ क्या है आपका साइन है ना यहाँ पे क्या है साइन तो यहाँ पे आपको क्या करना फ्रेंड्स पर देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे साइन तो है नहीं यहाँ पे आप क्या कीजिएगा दोनों पक्षों में लिखिएगा साइन लेने पर क्या करने पर दोनों पक्षों में साइन लेने पर ठीक है इस तरह लिखने के बाद देखिए अब दोनों पक्षों में साइन ले लीजिए यहाँ आप लिखेंगे साइन कोड बी प्लस कोड सी बटा के दो बराबर इधर भी साइन लेना पड़ेगा साइन कोस्ट में नब्बे माइनस कोड ए बटा के दो और फ्रेंस देखिए आपको इसमें तो किसी प्रकार चेंजिंग तो होगा नहीं ये इसी प्रकार रहेगा कोड बी प्लस कोड सी बटा के दो होगा ठीक है और ऑफ्रेंस देखिए इसको देखिए ध्यान से ये साइन नब्बे माइनस ठीटा है कि नहीं अभी आपको फार्मूला बार बार दिखा रहा हैं बार बार बता रहे हैं कि साइन नब्बे माइनस ठीटा रहेगा यानी साइन नब्बे माइनस ठीटा रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं काश थीटा यहाँ पे साइन नब्बे मान है तो इसलिए लिखिएगा कास ठीटा के जब कितना है कोड एक बटा के दो है तो यहाँ पे लिखिएगा कोड ए बटा के दो और यही फ्रेंड्स आपको क्या करना था सिद्ध करना था क्या करना है फ्रेंड्स यही आपको सिद्ध करना था जैसे ही एक होगा तो वैसे ही लिखिएगा है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ठीक है तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस सवाल को सिद्ध करना था चलिए आपको एक सवाल देते हैं और उस सवाल को हल करके देखिएगा कि आपका दोनों पक्षों में मान बराबर हो रहा है कि नहीं है तो फ्रेंड्स ये आपके सामने आठवां नंबर का सवाल है देखिए फ्रेंड्स आठवां नंबर का सवाल है आपको ये होमवर्क के तौर पर रहेगा इसको हल करके आप जरूर बताइएगा त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि काश ए प्लस बी बटा के दो बराबर साइन सी बटा के दो तो फ्रेंड्स यहाँ कोण आपका ए बी और सी ही है ठीक है जैसे समझाएं उसी प्रकार से इस सवाल को आपको सिद्ध करना है ठीक है और यदि आपका ये सवाल लग जा लगा लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर यस लिख के भेजिएगा ठीक है यदि लग जाएगा तो यस करके जरूर भेजिएगा और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक शेयर से कीजिए फ्रेंड्स इसका पार्ट फोर कुछ समय के बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें आपको अगला त्रिकोमिति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे